हेलो फ्रेंड्स, आईटी टेक्निकल जॉन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सीखेंगे जिग एंड फिक्चर के बारे में। जिग क्या होता है, जिग का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है और जिग कैसा होता है, और उसके बाद हम सीखेंगे फिक्चर के बारे में। फिक्चर क्या होता है, कहाँ पे प्रयोग किया जाता है और किस तरह का ये फिक्चर बना होता है, तो विद इन प्रैक्टिकल करके भी आज आपको बताएंगे भी इस तरीके से जिग एंड फिक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो प्रिय विद्यार्थियों, कंप्लीट मैंने जिग एंड फिक्चर लिए हुए हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जो जिग एंड फिक्चर का जो चैप्टर है, ये काफी बड़ा चैप्टर है। इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट समझ आ जाएगा कि भी जिग किसे कहते हैं और फिक्चर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं जिग। तो देखिए, मैंने जो ये जो लिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं ड्रिल जिग, ठीक है ना। तो जिग की डेफिनेशन क्या होती है, जिग एक प्रकार का डिवाइस है जो किसी भी जॉब को मजबूती से पकड़ता है और साथ में टूल को गाइड करता है, उसे हम जिग कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जॉब को मजबूती से कैसे पकड़ता है, तो सबसे पहले जिग की जो क्वालिटी आपको दिखाते हैं। तो देखिए, बच्चों ने जो जिग है वो कितने सुपर फिनिशिंग और कितने स्किल और अपने हुनर के साथ ये रेडी किया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे कैसे बच्चों ने बनाए हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहले 4 ड्रिल किए गए थे। ड्रिल करने के बाद में यहाँ पे काउंटर बोरिंग ऑपरेशन करके, ताकि जो हेड है वो अंदर चला जाए। तो काफी जबरदस्त तरीके से ये जो बच्चों ने जो जिग है वो रेडी किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको डिसमेंटल करके बताते हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम आज आपको बताएंगे। तो जिग क्या, एक प्रकार का डिवाइस है, ठीक है ना, एक साधन है। तो सबसे पहले मैं इसके जो चारों जो इसके बोल्ट नट बोल्ट है वो खोल देता हूं। तो देखिए ये, और उसके बाद में ये, तो देख सकते हो 4 ये लगाए हुए हैं ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए काउंटर बोरिंग यहाँ पे की गई, पहले ड्रिल किया गया है। तो ऐसे ऐसे मैं लगा देता हूँ इसको वापसी, ठीक है ना। तो ड्रिल करने के बाद में ये, इसकी पहले हमने क्या काम किया है, मार्किंग किया है। आपको पता है कि भी कितने इसमें हमने सुराख किए हुए हैं। तो ये वापसी मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे लगा देता हूँ। ये देखिए 12 mm का ये है, और ये हमने लिया हुआ है 10 mm का, और ये 6 mm का। ठीक है ना। उसके बाद में होल्डिंग डिवाइस ये कैसे हैं, तो सबसे पहले देखिए, एक जॉब मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये किसी भी जॉब को मजबूती से पकड़ता है, ठीक है। स्टॉपर के लिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे स्टॉपर इसलिए लगाया गया था ताकि ये जो है ये आगे न जाए, ठीक है। इस स्टॉपर पिन का ये मतलब है कि कोई भी जॉब लगाएं वो आगे न जाए, ठीक है ना। इसके अंदर अलग अलग इसलिए लगाई गई है क्योंकि ये हमने 10 mm 6 mm के अकॉर्डिंग, अगर ये वाली जॉब है उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर ड्रिलिंग करनी हो तब इनका प्रयोग किया जाता है। और थोड़ा लूज इसलिए बना दिया गया है इस जिग को, ताकि इसके अंदर कोई भी जॉब अगर 1-2 mm आगे पीछे, तो ताकि आसानी से उनको एडजस्ट किया जा सके, ठीक है ना। तो मजबूती से कैसे पकड़ता है, तो मैं ये लगा देता हूँ, उसके अंदर आप जॉब फिट करेंगे, फिर आपको ड्रिलिंग करके बताएंगे इस तरीके से जो है किया जाता है। तो देखिए, चारों जो है मैंने ये अच्छी तरीके से टाइट कर दिए हैं। तो देखिए, उसके बाद में ये स्टॉपर के लिए यहाँ पे पिन जो है वो मैं लगा देता हूँ। देखिए नीचे भी एक सुराख किया है ताकि ये अच्छी तरह एडजस्ट हो सके। अब देखिए, इसके अंदर ये जॉब लगा दी है, एक जॉब ये लगा दी है, और एक जॉब और हम लगा देते हैं। तीनों जॉब मैं आगे की तरफ दबा देता हूँ इसको। देखिए स्टॉपर के साथ ये एडजस्ट यहाँ पे हो गई है। और दूसरा, जिग में क्या होता है कि इसके अकॉर्डिंग, देखिए यहाँ से ये लूज है, ठीक है ना। तो जिग के लिए प्रॉपर आपको ये नीचे वाली जॉब थी, ये मैंने प्रॉपर ली हुई है, तो देखिए इसके अंदर आसानी से टाइट हो जाती है। तो इसके अनुसार प्रॉपर साइज के अकॉर्डिंग ये इसके अंदर जॉब लगा के और स्पैनर की सहायता से हम इनको टाइट कर देते हैं। उसके बाद में इसको निकालना चाहेंगे तब भी ये जॉब नहीं निकल पाएगी, ये देखिए। तो जिग क्या होता है, जॉब को मजबूती से क्लैंप करता है। देखिए क्लैंप कर लिया ना, और टूल को क्या करता है, ये गाइड करता है। गाइड का मतलब क्या है कि ये जो होल किया हुआ है, यहाँ पे एक बुश लगता है, बुश के अंदर क्या है कि ऐसे ड्रिल जाता है और वो जॉब के ऊपर आसानी से यहाँ पे होल कर देगा,
ठीक है ना। गाइड करने का मतलब क्या है कि जिक का प्रयोग करते हुए एक अनस्किल्ड जो कारीगर है वो भी जिक का प्रयोग करते हुए आसानी से मास प्रोडक्शन किसी भी पार्ट का कर सकता है, ठीक है ना। देखिए इसके अंदर जो हमने जो जॉब ली हुई थी इसके ऊपर मार्किंग करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, जिससे समय की बचत होती है, अनस्किल्ड कारीगर भी वो काम कर सकता है। और देखिए एक साथ हम तीन जॉब के अंदर या चार जॉब के अंदर या पांच जॉब के अंदर आसानी से ड्रिल निकाल सकते हैं। अगर जिक का प्रयोग अगर नहीं करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा, मार्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना, फिर पंचिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो उसमें हमारा जो किया बहुत ज्यादा टाइम जो है वो निकल जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको बचत करने के लिए जिक का प्रयोग किया जाता है। तो आपको समझ आ गया होगा जिक क्या है, एक प्रकार का डिवाइस है यानी होल्डिंग डिवाइस है जो जॉब को मजबूती से क्लैंप करता है, ठीक है, और टूल को क्या करता है, गाइड करता है। गाइड का मतलब सही जगह जहां पे हम ड्रिल करना चाहते हैं वहां पे आसानी से विदाउट मार्किंग कर देगा। आइए समझाते हैं आपको फिक्चर के बारे में। तो देखिए दो फिक्चर जो है हमने रेडी किया हुआ है, ठीक है। फिक्चर की डेफिनेशन क्या होती है, फिक्चर एक प्रकार का होल्डिंग डिवाइस है जो जॉब को मजबूती से क्लैंप करता है लेकिन टूल को गाइड नहीं करता है, ठीक है ना। तो एक डेफिनेशन और भी है कि जो फिक्चर जो है ये एक प्रकार का जुगाड़ है, ठीक है ना, जो कि जॉब को क्या करता है, ये मजबूती से क्लैंप करता है लेकिन टूल को गाइड नहीं करता है। तो मैंने देखिए एक जुगाड़ बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए ये क्लैंप तो मजबूती से कर लिया इस जॉब को लेकिन टूल को गाइड नहीं कर सकता। तो देखिए मैंने ये जुगाड़ इसलिए बनाया है क्योंकि मेरे को इस पार्ट के ऊपर दोनों पार्ट पे यहाँ पे वेल्डिंग करनी है, ठीक है ना। वेल्डिंग करने के लिए हम इसका वॉइस के अंदर भी हम नहीं ले जा सकते क्योंकि टेबल पे करनी पड़ेगी ना वेल्डिंग। तो वेल्डिंग करने के लिए मैंने एक तरह का जुगाड़ बना लिया। इस जुगाड़ का नाम क्या है, फिक्चर है, ठीक है ना। तो देखिए इसको आसानी से यहाँ पे ऐसे, देखिए एक चैनल ली थी और चैनल के अंदर मैंने दो होल कर दिए हैं, फिर चूड़ियाँ काट दी और ये रेडी कर दिया है, ठीक है ना। और ऐसे ऐसे इसको टाइट कर दिया जाता है। अब आसानी से यहाँ पे वेल्डिंग कर सकते हैं या फिर इसको यहाँ से कटिंग करना है लेकिन हमारे पास बेंच वाइस नहीं है, होल्डिंग करने के लिए कोई डिवाइस नहीं है, तो ऐसे पकड़ेंगे इसको आसानी से, ऐसे ऐसे एक्सा के द्वारा यानी हैंड एक्सा से हम काट सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ आ गया होगा कि भी फिक्चर किसको बोलते हैं। एक बार फिर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो फिक्चर जो है एक प्रकार का जुगाड़ है, ठीक है ना, क्योंकि बेंच वाइज के ऊपर जो जॉब जो है वो राउंड नहीं मान दी जा सकती, फ्लैट मान सकते हैं। राउंड जॉब के लिए आपको कौन सी वाइस की जरूरत पड़ेगी, पाई वाइस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, या फिर कोई टेढ़े मेढ़े आकार की जॉब है वो नहीं मान सकते किसके अंदर, किसी भी टेबल के ऊपर या फिर बेंच वाइज में। तो उसके लिए हमें जुगाड़ बनाना पड़ेगा, उस जुगाड़ का नाम क्या है, फिक्चर है। तो मैंने भी एक जुगाड़ रेडी कर दिया है, इसके अंदर हम तीन चार जॉब को आसानी से पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। चार तो पकड़ सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा हो क्योंकि गैप और भी है, ठीक है ना। इस तरीके से ये है, सेम ही है ये, ठीक है। देखिए कितने मजबूती के साथ ये जो है क्लैंप इसने कर लिया है। अगर स्पैनर से और टाइट कर दूंगा ना तो ये आसानी से यहाँ से नहीं निकल पाएगी, अभी भी नहीं निकल रही है, ठीक है ना। तो जॉब को इसने मजबूती से पकड़ लिया लेकिन टूल को गाइड ये नहीं करता है। तो ये दोनों थे जो जिग और फिक्चर तो थे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको बता दिए हैं भी कैसे कैसे इनको बनाया गया है, कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। फिर भी इससे संबंधित, जिग एंड फिक्चर से संबंधित अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे अवश्य कमेंट कर सकते हो। तो प्रिय विद्यार्थियों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, ठीक है ना। फिर भी इससे संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे अवश्य कमेंट करें। आशा करता हूँ कि ये वीडियो और ये टॉपिक आपको जो पसंद आएगा। फिर मिलता है एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक का, तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।